प्रश्न ये है कि आत्मा कहाँ से आया? आत्मा कहाँ से आया? वो आत्मा विनाशी है कि अविनाशी है? एज इन, अगर वो शुद्ध आत्मा है तो वो जन्म और मृत्यु के घेरे में क्यों फंसा हुआ है? हाँ, मगर वो क्यों फंसा उसका कारण अलग है। ये क्या होता है कि नहीं, हम यहाँ से अभी सत्संग से निकले, घर जाते हैं तो रिश्ते में ट्रैफिक आता है कि नहीं आता है? ट्रैफिक नहीं नड़ेगा जी। तो ये ट्रैफिक जैसा, ये संसार में आत्मा की एंट्री होती है, वहाँ से मोक्ष जाने तक संयोग का दबाव है, और संयोग के धक्के इतने हैं, प्रेशर इतना है, तो बहुत प्रेशर आ जाता है। तो जैसे आँख के ऊपर प्रेशर आ गया तो दो दिखना चालू हो जाता है, जैसे आत्मा के ज्ञान के ऊपर प्रेशर आया तो विशेष भाव उत्पन्न हो गया, विभाविक ज्ञान, और मैं ही इच्छिता हूँ, मैं इनकी डॉटर हूँ, इनकी बहन हूँ, बिलीफ हो जाती है। और वो बिलीफ वाला आत्मा, रॉन्ग बिलीफ बैठ गई तो अनंत अवतार से रॉन्ग बिलीफ वाला आत्मा हो गया है, और उसको राइट बिलीफ मिलती ही नहीं। मिलती कौन सी? बुरा मत करो, अच्छा करो, शादी नहीं किया शादी करो, धंधा नहीं करता है नौकरी नहीं करता है नौकरी करो। तो सांसारिक ज्ञान ही मिलता उसको, आत्मा का ज्ञान कोई देता ही नहीं है कि आप खुद आत्मा हो। जब सत्संग में जाते हैं, संत महंत मिलते हैं, तो तब हमको सुनने में आता है सच्चा सुख आत्मा में है, संसार में दुख है, वैराग्य लेने जैसी बात आती है, तो भी आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता। जब ज्ञानी मिलते हैं तब आत्मा का ज्ञान मिलता है, तब हमें प्रकृति से हम छूटते हैं और आत्मा का अनुभव हमें शुरू होता है। तो वहाँ तक संयोग का दबाव से, अज्ञानी मिलने से हमारे अज्ञानता प्रकट होती है, और अज्ञानता से हम चार गति में घूमते हैं, और ज्ञानी का संयोग मिला तो ज्ञान मिलते हैं तो धीरे से भटकने का छूट जाता है और मोक्ष गति पाते। ऐसी संसार की रचना है, और एक इंद्रिय से लेकर डेवलप होते होते डेवलपमेंट है संसार, यानी आत्मा के ऊपर का आवरण टूटते जाता है, आत्मा डेवलप होते जाता है। भीतर में तो फुल प्रकाश है और आवरण से ढका है, तो थोड़ा लाइट शुरू होता है एक इंद्रिय, थोड़े आवरण टूटे दो इंद्रिय प्रकट हुई, अनुभव लेता जाता है, ऊपर के डेवलपमेंट में आते रहता है। ऐसे डेवलपमेंट है संसार में आत्मा का।